जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के साइंस के चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज के फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। So guys, here is the question number 1 on your screen. Which of the following elements is not a metalloid? And the options are A. Silicon, B. Tungsten, C. Germanium and D. Arsenic. तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। और जैसा कि गाइज आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 seconds का टाइम मिलेगा। So guys, your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, टंगस्टन। सो गाइस, टंगस्टन इज एन एलिमेंट व्हिच इज नॉट अ मेटलॉइड। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। द कंटीन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इन अ डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए डिस्पर्जन, बी टिंडल इफेक्ट, सी ऑसिलेशन एंड डी ब्राउनियन मूवमेंट। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ब्राउनियन मूवमेंट। सो गाइस, द कंटीन्यूअस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इन अ डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एंड द ऑप्शंस आर ए ब्रोमाइन, बी मर्करी, सी सोडियम एंड डी पोटेशियम। सो गाइस, इफ यू नो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन यू कैन टेक्स्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ब्रोमाइन। सो गाइस, ब्रोमाइन इज द नॉन मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। गाइस, ब्रोमाइन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4th ऑन योर स्क्रीन। हेटरोजीनियस मिक्सचर इन व्हिच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व एंड कैन बी सीन विद द नेकेड आई इज नोन एज, एंड द ऑप्शंस आर ए कोलॉइडल सॉल्यूशन, बी सब्लिमेशन, सी सस्पेंशंस एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी सस्पेंशंस। सो गाइस, हेटरोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व एंड कैन बी सीन विद द नेकेड आई इज नोन एज सस्पेंशंस। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड द ऑप्शंस आर ए सिलिकॉन, बी एल्यूमिनियम, सी आयरन एंड डी ग्रेफाइट। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ग्रेफाइट। सो गाइस, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल व्हिच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड फोम, एंड द ऑप्शंस आर ए बटर, बी ब्रेड, सी जेली एंड डी मड। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ब्रेड। सो गाइस अमंग दीज ब्रेड इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड फॉर्म। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7th ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, एंड द ऑप्शंस आर ए इंक, बी सोप सॉल्यूशन, सी शुगर सॉल्यूशन एंड डी स्टार्च सॉल्यूशन। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी शुगर सॉल्यूशन। सो गाइस अमंग दीज ऑप्शंस शुगर सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8th आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन, एंड द ऑप्शंस आर ए मिल्क, बी सैंड सॉल्यूशन, सी विनेगर एंड डी सॉल्ट सॉल्यूशन। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी सैंड सॉल्यूशन। सो गाइस अमंग दीज सैंड सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9th ऑन योर स्क्रीन। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड ग्राउंडनट ऑयल कैन बी सेपरेटेड बाय, एंड द ऑप्शंस आर ए इवेपोरेशन, बी फिल्ट्रेशन, सी सब्लिमेशन एंड डी सेपरेटिंग फनल। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी सेपरेटिंग फनल। सो गाइस अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड ग्राउंडनट ऑयल कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10th ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एयर बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एंड द ऑप्शंस आर ए आर्गन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन एंड डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी हाइड्रोजन। सो गाइस हाइड्रोजन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एयर बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11th ऑन योर स्क्रीन। बाय विच प्रोसेस नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सैंड, एंड द ऑप्शंस आर ए सब्लिमेशन, बी सेंट्रीफ्यूगेशन, सी filtration and the evaporation. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section, and your time starts now. Time up dosto, to aaiye ab iska answer dekhte hain. So the correct answer of this question is A, sublimation. So guys, naphthalene can be separated from sand by the process called sublimation. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने next question की ओर, and here is the question number 12th on your screen. What is the boiling point of liquid argon? And the options are A, 183 degree Celsius, B, minus 183 degree Celsius, C, 186 degree Celsius एंड डी माइनस 186 डिग्री सेल्सियस। सो गाइस अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी माइनस 186 डिग्री सेल्सियस। सो गाइस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड आर्गन इज माइनस 186 डिग्री सेल्सियस।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, एंड द ऑप्शंस आर ए कटिंग ऑफ पेपर, बी बर्निंग ऑफ पेपर, सी डिकेइंग ऑफ वुड, एंड डी कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। सो गाइज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए कटिंग ऑफ पेपर। सो गाइज कटिंग ऑफ पेपर इज नॉट अ केमिकल चेंज बिकॉज इट इज अ फिजिकल चेंज। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन, एंड द ऑप्शन आर ए फेस क्रीम, बी शेविंग क्रीम, सी मिल्क, एंड डी बटर। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी शेविंग क्रीम। सो गाइज अमंग दिस शेविंग क्रीम इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, एंड द ऑप्शंस आर ए एयर, बी पेट्रोल, सी केरोसिन, एंड डी एल्कोहल। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। सो गाइज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी एल्कोहल। सो गाइज एल्कोहल इज नॉट अ मिक्सचर। आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, और गाइज आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो गाइज प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।